सोफो निस्बा, अब तुम बच नहीं सकती। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जिशान, जिशान, ये तावीज उस पेड़ पर रख दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तूने तो वादा किया था सोफा निस्बा। तूने हमारे वादे पर एतबार किया, जिनका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। तूने शैतान के मानने वालों के वादे पर एतबार किया। बेवकूफ कहीं का, धोखा, धोखा किया तूने मेरे साथ, मेरे साथ धोखा किया। जिशान, धोखा तो मैं तुझे शुरू से ही देती आ रही हूँ। अब अगर तूने नहीं समझा तो इसमें मेरा क्या कसूर। आज आज आधी रात के बाद तुम सब की दावत है, शिकार तुम्हारे सामने है। मेरा शौहर जिशान, मेरे हुस्न का दीवाना शौहर जिशान। अरे सुनो भाइयों, बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी अभी खबर मिली है कि हाकिम आला हमारे दरोगाए जिंदान के साथ सुबह होने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। और जिशान भी अपनी कातिल बीवी को लेकर यहाँ पहुँच जाएगा तो आमिल बुजुर्ग और आबिदा भी छूट जाएंगे। जिशान अपनी कातिल बीवी सोफो निस्बा को लेकर अभी तक नहीं पहुँचा। और तुम्हारे तोता भाईजान भी तो अभी तक नहीं आए। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। दुआ करो बेटी, हमारी दुआएं उनकी मुसीबतों को दूर करेंगी। रात खत्म हो रही है, सुबह होने वाली है और ये हमारा आखिरी वक्त है बेटी। आओ, हमें अपना आखिरी वक्त खुदा की इबादत में गुजारना चाहिए। या अल्लाह, या अल्लाह, या खुदा मदद कर, या खुदा मदद कर, या अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर। और कितना इंतजार करेंगे, खाने की दावत कब शुरू होगी। बस थोड़ी ही देर में शुरू होगी, रात खत्म होने वाली है, सुबह होने से पहले ही हमारी दावत शुरू हो जाएगी। इधर हमारा पेट भरेगा और उधर उधर आबिदा और आमिल को मौत की सजा हो जाएगी। सजा देने का वक्त हो रहा है और अभी तक निशान भी नहीं आया। ना कोई सबूत मौजूद है, ना कोई गवाह है। ऐसी हालत में हम मौत की सजा को नहीं रोक सकते दरोगाए जिंदान। हाकिम आला ने सही फरमाया, जिशान को यहाँ न देखकर मुझे भी ताज्जुब हुआ है। हुजूर उसे रहम की दरख्वास्त की थी और ये अर्ज किया था कि मेरी कातिल बीवी सोफो निस्बा मेरे घर में कैद है और मेरे भाई इमरान की लाश भी मौजूद है। मगर मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसी सूरत में मौत की सजा को रोका नहीं जा सकता। मेरी अर्ज थी हुजूर, थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा सा वक्त और अता कर देते तो दो बेगुनाहों की जिंदगी बच जाती हुजूर। हम भी यही चाहते हैं, मगर यहाँ तो न कातिल सोफो निस्बा है और न इमरान की लाश है, और बेगुनाही का दावा करने वाला जिशान नजर ही नहीं आ रहा है। इसलिए अब अगर मौत की सजा
सजा के वक्त पर नहीं दी गई तो फिर सजा का वक्त गुजरने के बाद कानून और इंसाफ को दोबारा सजा देने का हक ही नहीं रहता। इसलिए सजाए मौत देने के हुक्म की तामील हो। Thank you.
हकीम आला, इस खत को आग पर रखिए। इस खत को आग पर रखते ही खत लिखने वाले की आवाज सुनाई देगी और उसकी शक्ल भी दिखाई देगी। मशाल लाया जाए। सोफो निस्बा, इकरार करती हूँ कि मैंने ही अकरम, जिशान के माँ बाप और उसकी बहन मासूमा का खून किया है। अब मैं इमरान को मारूंगी, फिर जिशान, आबिदा, आबिदा की माँ और आबिदा के बाप आमिल को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। ये तो बड़ी हैरत अंगेज तिलिस्मी गवाही है। ये इस बात का सबूत है कि खून सोफो निस्बा नहीं किए हैं, मगर ये तो तिलिस्मी सबूत है। मुझे कातिल जिंदा सबूत की शक्ल में चाहिए, जिसका मतलब है कातिल खुद कहे कि कत्ल और खून आबिदा ने नहीं किए हैं। जुर्म कर लिया है कि जिशान के खानदान के सब लोगों को इसी कातिल सोफो ने मारा है, लिहाजा बुजुर्ग आमिले कामिल और आबिदा को रिहा किया जाता है। अब तू मौत से नहीं बच सकती। पी ये जहर। मुझे छोड़े। पी वरना जबरदस्ती पिला दूंगी। पी। पी। पीती हूँ, पीती हूँ। पी। Oh, my God.
ने मुझे नई जिंदगी दे दी। शुक्रिया मेरी दुश्मन आबिदा आमिल, शुक्रिया। अच्छा हुआ ये बला यहाँ से गई। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। नहीं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वरना ये इंसानों का खून पीती रहेगी, ये शादियाँ करती रहेगी, घर बर्बाद करती रहेगी, लोगों का खून पीती रहेगी। ऐसी खूनी बदरू टाइन को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसी औरत को मार देना ही अच्छा है। वो सांप बनकर उड़ गई, तुम लोग उसे ढूंढोगे कहाँ? सिर्फ एक ही जगह है और वो है जादूगरनी मरीखा का तहखाना। वहां तक इंसान का पहुंचना मुश्किल है। हम पहुंचेंगे अब्बा जान, हम पहुंचेंगे। मेरी शरारा गुल आ गई, सोफो निस्बा आ गई। वाह, मान गए सोफो निस्बा। कल तक तू जिशान की जिंदगी को धोखा देती चली आ रही थी और आज तो तू मौत को धोखा देकर भाग आई है। वाह शाबाश, मगर तुम दोनों ने मेरी कोई मदद नहीं की। जब हमने देखा कि तू अपनी मदद अपने आप कर रही है तो फिर हम क्या तेरी मदद करते। तूने वो ढोंग रचाया कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि तू सांप का जहर पीकर भाग जाएगी, वरना वो तेरी गर्दन काट डालते। तू चिल्ला रही थी कि तू मरना नहीं चाहती, तू जहर नहीं पीना चाहती, और उन्होंने तुझे सांप का जहर पिला दिया। तेरा ढोंग कामयाब हुआ और तू वहां से भाग निकली, फिर हम क्या तेरी मदद करते। मगर अब तो कुछ करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर वो अल्लाह वाला आमिल, उसकी बेटी आबिदा यहाँ आ गए तो वो अपने पाप जलाली इल्म से वो शैतान की बेटी को जलाकर राख कर देंगे। क्या ख्वाब की बातें करती है सोफो निस्बा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर आमिल और आबिदा यहाँ कैसे आ जाएंगे? हाँ चालाक लोमड़ी, तू इस घमंड में मारी जाएगी और अपने साथ मुझे भी मरवा डालेगी। चुप रह डरपोक गायन, अब क्यों डरती है तू? अब तो तेरी दोस्ती मौत से हो गई है। अरे बेवकूफ जादूगरनी मरीखा, मौत जिसकी दोस्त होती है जिंदगी उसे नहीं मिलती, तू समझती क्यों नहीं? मौत ने एक बार मुझे छोड़ दिया, मगर वो आबिदा वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उससे उसका होने वाला शौहर, उसका घर छीना था, अब वो मुझे मौत की नींद सुलाकर ही चैन की नींद सोएगी। देख देख अपने तिलिस्मी आईने में कि वो आबिदा आमिल और जिशान क्या कर रहे हैं। हाँ ये ठीक कह रही है, देख जल्दी जाकर देख अपने तिलिस्मी आईने में। और रात में नागन बन जाती थी। इस सांप के जहर ने
मुझे नई जिंदगी दे दी। शुक्रिया मेरी दुश्मन आबिदा आमिल, शुक्रिया। देख देख अपने तिलिस्मी आईने में कि वो आबिदा आमिल और जीशान क्या कर रहे हैं। हाँ ये ठीक कह रही है, देख जल्दी जाकर देख अपने तिलिस्मी आईने में। जाहिर हो जाहिर हो जाहिर हो। अरे ये पाक इल्म वालों की फौज हम नापाक शैतानों को खत्म करने के लिए मारने के लिए यही चली आ रही है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं बहुत कुछ होगा, फिक्र ना कर, हमारे साथ शैतान है मगर उनके पास ईमान है। उनके हथियार तो देखो, आमिल के पास इबादत की तस्बीह है, आबिदा के पास अल्लाह का चांद तारा है और जिशान के पास तावीज़े जलाली है। फिक्र ना कर, तू फिक्र कर। सपेरे जादूगर बचा ले मुझे बचा ले, आबिदा मुझे मार डालेगी जादूगर सपेरे, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मुझे जलाकर राख कर देगी। अरे मैं तुझे जलने नहीं दूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे पत्थर का बुत बना देता हूँ, फिर न तुझे कोई जला सकता है और न कोई मार सकता है। हाँ हाँ तू जल्दी कर, तू जल्दी से मुझे पत्थर का बुत बना दे। शैतानी जादू करनी हुक्म दे। आमिल आबिदा और जीशान हम पर हमला करने आ रहे हैं, जाओ जाओ और उनसे मुकाबला करो, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना, मार डालो उन्हें, काट डालो उन्हें, जला दो, राख बना दो, हवा में उड़ा दो उन्हें। खबरदार रुक जा। आमिल के मुखबिर जिन, ये हमारी हद है और तू अपनी सरहद से आगे बढ़ चुका है। तबाक जिन तबाक जिन, आज हमने सारी हदें तोड़ दी हैं, जा और अपनी जादूगरनी मरिका को कह कि वो सोफो निजबा को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो सोफो निजबा के साथ साथ वो भी मारी जाएगी। कौन मरता है देख लेते हैं।
निजबा को मेरे हवाले कर दे और तू ये शैतानी काम छोड़ दे। हाँ, शैतानी काम कैसे छोड़ दूं? वो तो मेरी जिंदगी है और सोफो निजबा मेरी बनाई हुई शैतानी औरत है, उसे मैं तुझे कैसे दे दूं? अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो उसे मुझे दे दे। अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो यहाँ से चली जा, सोफो निजबा तुझे नहीं मिलेगी, वरना तेरा, तेरे बाप का और जिशान का अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। हाँ जादूगर नहीं, इन सब को मार डाल, किसी को छोड़ना नहीं। सबसे पहले आमिना को मार। बदतमीज गुस्ताख, तेरी बहन के बारे में ऐसा बोलता है, मैं अभी तुझे जला देता हूँ। आमिदा बहन, वो रही सोफो निजबा। ये सोफो निजबा है जिशान, वो रही सोफो निजबा। मगर ये तो पत्थर का मुजस्मा बनी हुई है। इस पत्थर के मुजस्मे को मैं मोम की तरह पिघला दूंगी। अगर तूने मेरी शरारा गुल को मोम की तरह पिघला दिया तो मैं तुझे और तेरे बाप को पानी की तरह बहा दूंगा। तू अपना जादू आजमा और मैं अपना अमल आजमाती हूँ। Oh, my God.
सोफो निस्बा भी मर जाएगी। मैं उसे मौत की सजा दूंगी। नहीं आबिदा, मौत तो चंद पल के लिए आएगी, चली जाएगी। सोफो निस्बा मर जाएगी। तुम उसको वो सजा दो जो मौत से भी बढ़कर हो। पल पल किश्तों में मरती रहेगी, पागल जानवरों की तरह मार खाती रहेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही बना देती हूँ। पहले मैं इस पत्थर को सोफो निस्बा तो बना दूं। ए बूटे बदरू, अपनी असली हालत में आ। ए बूटे हर जाई, सोफो निस्बा बन जा। ए बूटे बेवफा, मैं हुक्म देती हूँ, सोफो निस्बा बन जा, सोफो निस्बा बन जा। आबिदा, तूने मुझे पत्थर में से भी निकाल लिया। हाँ, सजा देने के लिए। मौत की सजा? हाँ, मौत भी मिलेगी, मगर पहले तुझे हैवान घोड़ी बना दूंगी। नहीं नहीं नहीं। जिशान 11 साल तक तुझे 40 छड़ियां मारता रहेगा। ठीक 11 साल पूरे होते ही तुझ में आग लग जाएगी और तेरे जिस्म के साथ साथ तेरी रूह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे घोड़ी मत बनाओ। नहीं 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 आबिदा, नहीं, मुझे घोड़ी मत बनाना, मुझे घोड़ी मत बनाना। मैं तुझे घोड़ी बना के रहूंगी। जलील, कमीनी, बदरू डाइन, हराम जादी, चल चल कमीनी, चल मेरे साथ, चल। मैं कामिना, अब इस दहखाने को बर्बाद कर देना चाहिए। हाँ भाईजान, तुमने ठीक कहा है। जादुई तहखाना बर्बाद हो गया और सोफो निस्बा घोड़ी बन गई। फिर क्या हुआ? हुजूर अमीरुल मोमिनीन, इसके बाद मैं शहर बसरा छोड़कर बगदाद आ गया। और आबिदा का क्या हुआ? आबिदा से मैंने शादी करने की कोशिश की, मगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। वो मुझसे नाराज थी कि मैंने सोफो निस्बा से शादी क्यों की थी। आबिदा ने मुझे मुआफ नहीं किया। और अब कब तक सोफो निस्बा को छड़ियां मारते रहोगे? आज आखिरी दिन है, आज पूरे 11 साल हो गए हैं। आज वो आग में जलकर हमेशा के लिए राख बन जाएगी। जलील, बदरू, डैन, खूनी, कातिल, बेवफा, बदतमीज, जलील, कमीनी, डैन, बदरू, कातिल, बेवफा, बदतमीज, कमीनी, खूनी, कातिल। Thank you.
सोफो निस्बा शरारा गुल 11 साल तक सजा काटने के बाद मौत की आग में जलकर राख हो गई। वाकई कितनी हैरत अंगेज और अजीब कहानी है। जिशान, आबिदा और सोफो निस्बा की। मगर सोफो निस्बा के जलने के बाद आबिदा ने शादी से इनकार क्यों किया? ये एक औरत की आबिदा की खुददारी थी। उस वक्त जिशान ने सोफो निस्बा के हुस्न को देखकर आबिदा को भुला दिया था और इसमें आबिदा ने अपनी और अपनी मोहब्बत की बेइज्जती महसूस की। जिशान की बेवफाई ने आबिदा के दिल में जख्म कर दिया। हालांकि आबिदा हमेशा जिशान का भला चाहती थी, लेकिन उसने शादी के मामले में जिशान को मुआफ नहीं किया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप औरत हैं और औरत के जज्बात और खुददारी को आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। शुक्रिया, आपने औरत के जज्बात और उसकी खुददारी की कद्र की। लीजिए, आपके गश्त पर जाने का भी वक्त हो चला। शुक्रिया, आपको हमारे फर्ज का एहसास है। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं तो न जाने रस्सियों के कितने छलों से टकराते टकराते यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, ये सब मेरे ही हैं। ओह, तो गोया पहले माल से और फिर मालिक से टकराव हो गया। टकराव क्यों, मुलाकात कहो इसे, एक खूबसूरत मुलाकात। जी, मेरा नाम हसन खबाल है। और मेरा नाम अमीना, मैं मिस्र जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी अपना सामान लेकर वहीं जा रहा हूँ। मिस्र देखने का बड़ा शौक है मुझे, खास तौर से अहराम मिस्र देखना चाहता हूँ। अच्छा, तब यूँ समझिए कि वक्त और किस्मत ने हमें सही मिलाया। मतलब? मतलब ये कि मैं भी मिस्र की रहने वाली हूँ और मैंने अहराम मिस्र पर खूब तहकीक और मालूमात इकट्ठी की हुई है। यानी कि मिस्र के माजी में तुम मेरी रहनुमाई कर सकती हो? शौक से करूंगी, पर पहले ये कारवां तो आगे बढ़े। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सही सलामत हमें इस जगह पे पहुंचा दिया। जाने कौन सी जगह है, अगर हम यहाँ ना पहुंचे होते तो वो रेगिस्तान हमारे लिए कब्रिस्तान बन चुका होता। मौत और कब्रिस्तान की बातें मत करो मीना, खुदा ने हमें नई जिंदगी बख्शी है, तो जिंदगी की बातें करो। पर जिंदगी तो तब रहेगी जब कुछ खाने को मिलेगा, मुझे तो ऐसे ही बहुत भूख लग रही है। इस नखलिस्तान में कुछ फल वगैरह जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। चलो चलकर देखें। हसन, देखो ना उस अजीब गरीब फल को।
कितना खुश रंग है ना। अरे वाह, चलो चलकर देखें। जरिया बनोगे तो है गजा में कैद होने के बाद से मैं जिन दो अजनबी इंसानों का इंतजार कर रही थी यकीनन वो तुम ही हो। अमीना, ये फल देखने में तो बड़ा ही खुश रंग है मगर जाने इसका मजा क्या होगा। खुदा ना खास्ता कहीं ये जहरीला निकला तो। तुम ठीक कहते हो हसन, इस अजीबोगरीब फल को हम पहली बार देख रहे हैं और मुमकिन है आखिरी बार। इस फल में जिंदगी है या मौत खुदा ही बेहतर जानता है। समरे हयात से अपने पेट की आग बुझाकर मुझे और इंतजार की आग में जलने से बचा लो। समरे हयात को होठों से लगा लो, खा लो, खा लो मेरे प्यारे बच्चों, खा लो। हसन, खुदा ने हमें जिंदा और सही सलामत यहाँ पहुँचाया है। अगर अगर हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी मौत लिखी होती तो उस रेगिस्तानी बला से हम कैसे निकल पाते, यहाँ पर कैसे पहुँच पाते। मैं भी यही सोच रहा हूँ अमीना, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथों में है, फिर इस नाचीज फल की क्या औकात है। आओ हम खुदा का नाम लेकर एक साथ इस फल को खाएं। बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश।
नहीं। جلالو افتاد سائرن تیورا جوالو 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 گزب ہو گیا اندر آؤ دیکھو گزب ہو گیا آؤ جلدی آؤ یہ بوتل دیکھو پتہ نہیں مجھے کیوں خالی دکھائی دے رہی ہے شاید میری آنکھیں خراب ہیں کیا یہ تمہیں بھی خالی دکھائی دے رہی ہے سردار میری بھی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا مطلب سردار اس بوتل میں نہ تو جھوپڑی ہے اور نہ ہی جادوگرنی یہ بالکل خالی ہے نہیں ہاں سردار تب تو سچ مچ گزب ہو گیا لگتا ہے وہ منحوس بڑھیا سامری کی قید سے آزاد ہو گئی سردار اب کیا ہوگا وہ آدم خور بڑھیا اب کسی کو نہیں چھوڑے گی سردار مگر وہ جادوگرنی آزاد ہوئی کیسے سامری نے تو کہا تھا کہ وہ اجنبی انجان عورت اور مرد کے ذریعے ہی آزاد ہو سکتی ہے سردار اس خالی بوتل کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اجنبی انجان مرد عورت نہ صرف اس جزیرے پر آ چکے ہیں بلکہ اس منحوس جادوگرنی کو آزاد بھی کروا چکے ہیں وہ ہم سب کو کھا جائے گی مار ڈالے گی سردار رہے بدبخت ایسی منحوس باتیں نہ کر جا اور ان دونوں انجان آدمیوں کو ڈھونڈ نکال جنہوں نے اس ٹائن کو آزاد کرنے کا گناہ کیا ہے انہوں نے اس ٹائن کو آزاد کیا ہے تو انہیں قید کر لے جا جنگل کا چپا چپا چھان مار جا ہاں سردار میں آزاد ہوں مجھے قید سے رہائی دینے والے میرے اجنبی محسن مہمانوں میں تمہاری شکر گزار ہوں مجھے شیشے کی جہنم سے باہر نکال کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے مگر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کیونکہ مجھے آزاد کر کے تم نے اپنی قضا کو دعوت دی ہے اے ناگانو تم نہیں جانتے یہ جزیرہ ایک کوہ قضا ہے اور قضا میں ہوں انسانوں کی قضا کیونکہ میں انسانوں کو کھا کر زندہ رہتی ہوں تمہیں بھی کھاؤں گی ضرور کھاؤں گی مگر تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں سب سے آخر میں کھاؤں گی میں احسان کرنا بھی جانتی ہوں اور انتقام لینا بھی جانتی ہوں تمہیں آگے
आखिर में खाऊंगी। यह मेरा एहसान है और उन जंगलियों को सबसे पहले खाऊंगी जिन्होंने मुझे उस शीशे के अजाब से कैद कर रखा था। ये मेरा इंतकाम होगा। Oh,